अब खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह हमीर भवन में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त श्री हरकेश मीणा ने की, जबकि कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के परिजन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सर्वप्रथम शहीद स्मृति पार्क में पहुंचकर सेना पदक शौर्य से सम्मानित कैप्टन मृदुल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत हमीर भवन में कारगिल शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह आज यहां हमीरपुर भवन में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त श्री हरिकेश मीणा ने की, जबकि कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के परिजन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सर्वप्रथम शहीद स्मृति पार्क में पहुंचकर सेना पदक शौर्य से सम्मानित कैप्टन मृदुल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत हमीर भवन में कारगिल शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिनमें हवलदार कश्मीर सिंह व राजकुमार, सिपाही दिनेश कुमार, राइफलमैन दीपचंद, हवलदार स्वामी दास चंदेल, राइफलमैन प्रवीण कुमार व सुनील कुमार तथा सिपाही राकेश कुमार शामिल है। ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हुए सुबेदार दिलीप सिंह तथा रंजीत सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने शहीदों के परिजनों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया। इनमें हवलदार कश्मीर सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती शबीना कुमारी, सिपाही दिनेश कुमार के पिता कैप्टन भूप सिंह, राइफलमैन दीपचंद की धर्मपत्नी श्रीमती कांता देवी, राइफलमैन प्रवीण कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती किरण कुमारी, राइफलमैन सुनील कुमार के भाई श्री मेहर चंद तथा रंजीत सिंह की माता श्रीमती निक्की देवी शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि हम कारगिल युद्ध के उन वीर शहीदों जिन्होंने देश की अखंडता व सम्मान की रक्षा हेतु अपने अहम साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, उनकी पुनीत स्मृति एवं शौर्य नमन करते हैं। ये प्रतिज्ञा करते हैं कि देश के गौरव में इतिहास की रक्षा हेतु पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज समस्त देश में जिला से लेकर खंड स्तर पर इस तरह के समारोह आयोजित कर कृतज्ञ राष्ट्र इन वीर सपूतों को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर को वीर भूमि भी कहा जाता है और जिला के 8 जवानों ने कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वर्तमान में 35,000 से अधिक पूर्व सैनिक यहाँ रहते हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व सैनिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सार्वजनिक मंच की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने इसके लिए पूर्व सैनिक लीग सहित इसी तरह के अन्य संगठनों से भी आगे बढ़कर सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ये संगठन आपस में सामुदायिक सहयोग की भावना विकसित करें और जिला प्रशासन तथा विभागीय स्तर पर उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। इस अवसर पर कर्नल सर्वश्री धर्मवीर सिंह, रमेश कुमार शर्मा, MR भारद्वाज, JD शारल, RC शर्मा, ऑनरी कैप्टन लालचंद ने भी अपने विचार व अनुभव साझा किए। सहायक उपायुक्त राजकिशन, उपमंडलाधिकारी डॉक्टर चिरंजी लाल, उपनिदेशक सैनिक कल्याण विभाग के कमर सिंह चहल सहित अन्य अधिकारी भी समारोह में उपस्थित रहे। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।